हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आइए सीखते हैं। पहला है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है तो कितनी है? 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। 7 स्थलीय कौन कौन से है? तो ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश है जो स्थलीय है और भारत की सीमा को छूते हैं। आगे देखते हैं, 2 जलीय देश कौन कौन से हैं जो भारत की सीमा को छूते हैं? तो वो है श्रीलंका है और मालदीव। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है। तो जल एवं स्थल दोनों ही सीमाओं से लगे हुए देश कौन कौन से है? तो ऐसे 3 देश है, जिसमें है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये तीनों ही देश जल से तो लगे हैं, साथ में स्थलीय सीमा से भी लगे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश सम्मिलित है। कौन कौन से है? वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जलडमरू अलग करता है एवं मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है तो किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ में है। और सबसे कम अगर पूछी जाए तो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। ये बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो समुद्री देश भी होना चाहिए और निकटतम भी, तो कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा अगर देखें तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो ग्रेट चैनल करता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश और म्यांमार। फ्रेंड्स, आपको दिशा तो पता होगी ही सही कि सबसे ऊपर वाली जो दिशा है उसे हम उत्तर बोलते हैं, नीचे वाली को दक्षिण, और जो राइट हैंड पे होती है उसे पूर्व, और इधर लेफ्ट हैंड पे जो है उसे पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है इसमें कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से है? तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिम में स्थित देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। तो नेपाल है, भूटान है और चीन है। ये तीनों ही देश भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, जो भारत के दक्षिण में है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पता ही है आपको, चाइना का है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर जो है, इसकी सीमा अफगानिस्तान को छूती है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी रेड क्लिफ रेखा को बनाया गया था। और इसका निर्धारण किसने किया था? तो सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम पर इसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। तो याद रखना आपको कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, भारत एवं चाइना के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो इसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, और इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए, चाइना में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनती है, यानी कि मेक होती है, तो बस मैकमोहन का मैक वर्ड उठा लीजिए तो आपको याद रह जाएगा कि जो चाइना है और भारत है इनके बीच में रेखा कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा है।
इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में किया गया था। तो 14 लास्ट में याद रखना है आपको, कैसे चाइना से 14 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, याद रखना हमें। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसे हम बोलते हैं POK, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है, तो इसे हम बोलते हैं नियंत्रण रेखा, यानी कि LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। कौन सी है ये? लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, आदम पुल स्थित है, तो जो आदम का पुल है वह कहाँ पर स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है ये? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।